हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हम किस तरीके से नेमो एनालाइज़र में BTS फाइल अपलोड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल में किस हेडर के साथ डेटाबेस रखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है उसका, किस फॉर्मेट में हमें जो एक्सेल है उसको सेव करना। देखिए, आपको जो हेडर रखना है 4G के लिए, LTE के लिए आपको सेम यही रखना है। अगर हेडर में आप कुछ भी चेंज करते हैं तो आपका जो डेटा है उसमें मिसमैच हो जाता है। ठीक है, जैसे सिस्टम, साइट, लेट, लॉन्ग, सेल, चैनल, सेल आईडी, PCI और डायरेक्शन। ठीक है, सिस्टम में आपको आपका LTFDD है, LTTDD है, जो भी है आपको वही लिखना है। साइट आपकी कहाँ की है उसका एड्रेस लिखना है, लेटीट्यूड लिखना है, लॉन्गिट्यूड लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेल आपका कौन सा है वो आपको लिख देना है। ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी है आपको वो लिख देना है। उसके बाद आपको चैनल में आपका 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ जो भी है आप वो लिख सकते हैं। सेल आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, सेल आईडी के बाद PCI लिख सकते हैं और डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक साइट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक, फॉर्मेट सेम रहना चाहिए, फॉर्मेट सही होना चाहिए, आपका फॉर्मेट में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और इस एक्सेल को आपको .csv फॉर्मेट में सेव कर लेना है। ठीक है, अगर नेमो एनालाइजर में आप ओपन करना चाह रहे हैं तो ठीक, आपने सेव किया। सेव करने के बाद आपको नेमो एनालाइजर ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाके मेजरमेंट में यहाँ पे ड्रैग डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन BTS पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी जो फाइल है, जो आपकी एक्सेल थी, उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, चेकबॉक्स को टिक करना है, ओके कर देना है। ठीक, ये आपके यहाँ पे देख रहे हैं BTS फाइल आ गई है, इसको मैप पे ड्रैग कर देना है। ठीक है, देखिए अभी देख सकते हैं आप सभी सेक्टर्स का कलर ग्रीन आ रहा है, सेम कलर है सभी सेक्टर का। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेक्टर का कलर कोडिंग अलग हो, सेकंड की अलग हो, ऐसा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है तो आप इसका साइज़ भी चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने सिर्फ एक साइट क्रिएट की है, इस साइट के सेक्टर्स का मुझको कलर कोडिंग करना है। किस तरीके से करते हैं देखिए, राइट साइड में देखिए आप लेयर्स में जो मैंने अभी BTS फाइल इंपोर्ट की है वो यहाँ पे आ गई है। उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, साइट का साइज चेंज करना है तो आप यहाँ पे डायनामिक मैक्स साइज में उसका साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने 50 करा, 50 करने के बाद मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइज चेंज हो गया है। ठीक, आप साइट का नेम शो करना चाहें तो साइट ये पे नीचे है, शो साइट नेम, उस पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, नेम शो हो जाएगा। ठीक है, जो भी साइट का नेम है। ठीक, उसके बाद कलर्स पे जाइए, कलर पे जाने के बाद मोड में पैरामीटर रखना है आपको। BTS पैरामीटर में मैं फिजिकल सेल आइडेंटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कलर सेट में भी मुझे फिजिकल सेल आइडेंटिटी लेना होगा। ठीक है, PCI और कुछ आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका सेक्टर्स का कलर कोडिंग करना चाहते हैं आपको यही करना है, अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सभी सेक्टर्स की कलर कोडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। किस तरीके से देखिए, मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। देखिए, आपके पास एक इंडिविजुअल साइट हो या मल्टीपल साइट्स हो या नंबर ऑफ 1000 साइट्स हो, कितनी भी साइट्स हो, आप उनकी कलर कोडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, जब आपकी जो BTS फाइल है इंपोर्ट हो जाए उसे मैप पे ड्रैग कर देना है और ड्रैग करने के बाद वो लेयर्स में आ जाएगी। लेयर्स पे उसी BTS फाइल पे, जो भी आपकी BTS फाइल है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और जो भी आप चेंज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी करना चाहें तो ट्रांसपेरेंसी में आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, ट्रांसपेरेंसी जो भी आप करना चाहें अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे हो जाएगी। जो भी चाहें आप कर सकते हैं, डार्क करना चाहें वो डार्क कर देते हैं। ठीक, सेल में आपको काफ़ी सारी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे देखिए, यूज सेल बीम रेंज फ्रॉम BTS फाइल, बीम रेंज किस तरीके से शो करते हैं इसको आप जैसे ही चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देते हैं। मैं किसी भी सेक्टर्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ये यहाँ से पहले इसको टूल्स में से इसको सेलेक्ट करना है, एरो को, ठीक है। किसी भी सेक्टर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो बीम होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। देखिए जिस सेक्टर पे भी आप क्लिक करेंगे वो बीम यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक, मैं किसी और सेक्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्टर पे क्लिक करूँगा तो वो ऐसे शो हो जाएगी। तो ये चेंजेस आप अपनी BTS फाइल में कर सकते हैं और करके देख सकते हैं। सिर्फ आपका क्या है, जो आप एक्सेल में डेटाबेस ले सकते हैं उसका हेडर सही हो और उसका फॉर्मेट सही हो और जो डेटा आप ले रहे हैं वो सही हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।